देखिए दर्शकों को हम अपने बता दें कि ये जो फूड कोर्ट है ये नगर निगम ने इस जगह को ठेके पर दिया था। दीपक जैन नामक ठेकेदार है, एक शख्स है अजमेर के व्यवसायी हैं, उनको ये लीज पर दिया गया है लगभग 8 साल इसकी। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. लीज बताई जा रही है और लीज में जो शर्तें बताई गई थी, जिन शर्तों के आधार पर इस जगह को ठेके पर दिया गया था, उन शर्तों की अवहेलना यहाँ पे दीपक जैन कर रहे थे। जो नीचे की जो जगह थी यहाँ पर, इस जगह को केवल लोगों के लिए रखा गया था, लेकिन इस जगह को भी दीपक जैन जो है अवैध तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे। हालांकि जब साधारण सभा ने ये मामला उठा था, तब जो अधिकारी निगम के थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अस्थायी अतिक्रमण जो है वो किया गया है। ये अस्थायी अतिक्रमण जो है इसको इसको लेकर भी कई सवाल वहाँ पे पार्षदों ने उठाए। खुद मेयर ने भी इस मामले को सदन के अंदर उठाया था और इसीलिए अब जब सदन में जब मामला उठा था, अधिकारियों से सवाल इसके ऊपर सवाल और जवाब जब तलब किए गए थे, तो उसके बाद ये देखा गया है कि आज जो कार्रवाई निगम की टीम यहाँ पर कर रही है, ये उसी सदन में सवाल और जवाब करने का नतीजा है। और यहाँ पर पिछले लंबे समय से कई शिकायतें शहर के लोगों ने भी की, अधिकारियों की लापरवाही खुलकर सामने सदन के अंदर भी आई थी कि किस तरीके से निगम के जो अधिकारी हैं वो ठेकेदार को फायदा पहुंचा रहे थे और अवैध अतिक्रमण को अंजाम जो दिया जा रहा था वो निगम के अधिकारियों की शह पे ही दिया जा रहा था। निगम के अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसे अतिक्रमण किया जा रहा था। और अब जब सदन में मामला उठा, मामला उठने के बाद, क्योंकि 19 तारीख को दर्शकों को हम बता दें कि 19 तारीख को एक बार फिर साधारण सभा होने वाली है, क्योंकि अधूरी जो रह गई थी उसकी अगली तारीख सुनिश्चित की गई थी 19 तारीख को। 19 तारीख को एक बार फिर साधारण सभा जब बैठेगी, तब दोबारा से ये मामला ना उठे, इसीलिए नगर निगम की जो टीम है उसने आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया है और यहाँ पर जो अतिक्रमण किया जा रहा था उसे यहाँ से हटाया गया है। साथ में ठेकेदार ने ये भी सुनिश्चित किया है निगम की टीम को कि जल्द से जल्द वो आगामी 1-2 दिनों के अंदर जो बचा हुआ और जो अवैध अतिक्रमण वहां पर है उसको भी हटा लिया जाएगा। सुशील, एक है ना हमारे दर्शकों को एक और ये बताइए कि और ऐसे कौन से निर्माण हैं जिन पर ना कार्रवाई हो सकती है? देखिए शहर में ऐसी बहुत सारी जगह है जिसका मामला निगम के अंदर उठाया गया था। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा था कि जो निगम की जो आनासागर झील है, झील के जस्ट पास में किनारे के ऊपर जहाँ पर पहले चलता फिरती नाव का जो रेस्टोरेंट है वो तैयार हो रहा था, उस जगह के ऊपर रेस्टोरेंट खोलने की प्लानिंग की जा रही थी, उसकी बाउंड्री वॉल कर दी गई थी। उस मामले में देखा गया है कि निगम को पार्टी बनाकर जब कोर्ट में मामला पहुंचा, तो कोर्ट के अंदर जो परिवादी था उसने कोर्ट से अदालत से झूठ कहा था और उसके बाद में वहां पर निर्माण कर लिया था। उस निर्माण के बाद नगर निगम ने दोबारा उस मामले के अंदर कोर्ट में अपना जवाब पेश किया कि किस तरीके से गुमराह किया गया अदालत को, और अदालत ने भी उस बात को माना था। उसके बाद से नगर निगम ने आलासागर झील के किनारे जो अवैध तरीके से अतिक्रमण हो रहा था उसको तोड़ दिया था। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह, सदन ने एक मामला और उठा था, उस मामले में ये कहा गया था कि जो नाव का जो ठेका दिया गया है नगर निगम अजमेर की ओर से, उस ठेके के जो शर्तें हैं उसके अंदर केवल एक काउंटर, जो टिकट बुकिंग का जो काउंटर है वो एक काउंटर खोलने की मंजूरी शर्तों के अंदर थी, लेकिन यहाँ पर भी जो ठेकेदार है, नाव संचालक जो है, उन्होंने यहाँ पर 3 काउंटर्स खोल लिए थे। वो मामला भी सदन के अंदर उठा था और अब उम्मीद की जा सकती है कि 19 तारीख से पहले जो बचे हुए 2 काउंटर्स हैं, 3 काउंटर में से 2 काउंटर को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी नियमों की अवहेलना है और इसके ऊपर भी मेयर ने बहुत सख्ती दिखाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, ये सारे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको इस पूरी बात की जानकारी रहती है और उनकी शय के साथ में ही ये लोग यहाँ पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करते हैं, टेंडर्स के जो नियम और शर्त होते हैं उनकी अवहेलना करते हैं। जैसे दिनांक आपको ज्ञात होगा कि 10 से 11 तारीख हुई थी, उसमें साधारण सभा में ये प्रश्न उठा था इसके बारे में, फूड कोर्ट के संचालन के बारे में, कि संवेदक द्वारा जो निर्माण कुछ किया है वो शर्तों के विपरीत है। तो उस साधारण सभा में ये डिसीजन लिया गया था, ये जो निर्माण है, जो निर्माण ठेकेदार द्वारा किया गया उसको हटाया जाए, तोड़ा जाए, और जो नियमों के अंतर्गत है वही निर्माण ही अलाउड है। तो उसी की आदेशों में आज ये पालना हुई है और हमने निर्माण को तोड़ा गया है और शुरुआत कर दी गई है, और संवेदकों को कहा कि जो नियमों में प्रावधान है, जो नियम था ये 8 वर्षों के लिए दिया गया था, 8+2 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है इसको। इसमें 38.70 लाख राशि जमा कराई थी और जो सालाना 10% इंक्रीज होगी, और उसके
बस चार दस हज़ार जमा में ये काफ़ी डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, उसके बाद हमने आज कार्रवाई की और उसे कहा गया कि उस वो खुद यहाँ समय तक खुद उपस्थित हुआ, उसने कहा मैं अपने स्तर पर ये निर्माण हटा लूँगा और जो भी जैसा भी डिसीजन लिया गया है जो भी शर्तों में उसके अनुरूप ही कार्य करूँगा। कहाँ इसके नाम दर्ज है ये दीपक जैन, श्री दीपक जैन के नाम से। कहाँ करिए सर आप? वहाँ आगे की आगे फ्रंट में आप देख लें, उसका ये फूड कोर्ट का नाम संचालन है, उसमें दीवारें हटाई गई हैं जो पार्टी से हटाई गई हैं। और मेरा नाम ओम प्रकाश धिंदवाल, एक्सी नगर निगम अजमेर।